कांग्रेस पार्टी और राहुल जी प्रियंका जी किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे देश के प्रधानमंत्री के लिए, सरसंघचालक जी के लिए क्या बोल रहे हैं, क्या उनको अंदाजा है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए एक आदर का भाव उनको मन में होना चाहिए जो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री। किसानों से कोई लेना देना कांग्रेस पार्टी का नहीं है। राहुल जी पिछले 8-10 महीने में 200 किसानों से भी नहीं मिले होंगे, लेकिन कह रहे हैं कि 2 करोड़ किसान का सिग्नेचर करा लिया है। ये कहीं ऐसा ना हो जो प्रियंका जी के बस के साथ हुआ था कि वो नंबर स्कूटर के निकल गए थे, किसानों के बीच में गए। बहुत बड़ी तादाद में किसान इस बिल से सहमत हैं, खुश हैं, और जो असहमत हैं वो कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बहकावे में, क्योंकि ये बिल किसानों के पक्ष में है। सरकार ने तो लिखकर कहा है कि MSP के बारे में वो लिखकर देने को तैयार है। सरकार मंडी खत्म नहीं होगी कह रही है। ये जो आढ़ती भाई हैं उनको आढ़त पे कोई खतरा नहीं होने वाला है, सब बात कह दिया सरकार ने। और किसानों को ये भी ऑप्शन होगा कि वो बढ़ी हुई दाम पर अगर कोई उनसे खरीदता है तो वो खरीद भी सकता उनसे अनाज। फिर ये किसान के विरोध में कहां से हो गया? इस पर कांग्रेस ऐसी ओछी राजनीति क्यों कर रही है? अपनी जमीन खिसकती हुई किसान के कंधे पर सवार होकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, और राष्ट्रपति भवन को भी कभी राजनीतिकरण करना चाहती है, उन पर भी इल्जाम लगाती। कम से कम एक जगह तो छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रपति भवन को जिस तरह खसीटने की कोशिश की गई, जिस तरह कहा गया हमें इतने लोगों को क्यों बुलाया, इतना कम क्यों बुलाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सारी मर्यादाएं तोड़ देना चाहती है इस देश में।